वहीं खबर फुलेरा से जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लेबर रूम व महिला वार्ड का निरीक्षण किया गया। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। भारत सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं के अंतर्गत प्रसूति गृह और प्रसूति ऑपरेशन थिएटरों में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम लक्ष्य लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इंटेंटिव पहल की शुरुआत हुई है, जिसके अंतर्गत चिकित्सा विभाग जयपुर की टीम द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और समकक्ष स्वास्थ्य सुविधाओं जिनमें प्रतिमाह 100 से अधिक प्रसव होते हों, इनमें प्रसूति गृह और प्रसूति ऑपरेशन थिएटर में प्रसव के दौरान देखभाल से मातृत्व और नवजात मृत्यु दर व रुग्णता को कम करने और सम्मानजनक मातृत्व देखभाल सुनिश्चित करना आदि विषय सम्मिलित है। इसी विषय को लेकर के सोमवार दोपहर को संबंधित विभाग की टीम द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुलेरा के लेबर रूम, महिला वार्ड आदि का निरीक्षण किया गया और साथ ही क्वालिटी लेबर रूम के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हुए डॉक्टर दीपशिखा बोराणा ने बताया कि यहाँ का कार्य संतोषजनक है और जो भी सुधार व सुझाव इस हेतु जरूरी हैं वो सभी जानकारियां स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करवा दी जाएंगी। ऑपरेशन थिएटर को चालू करने की बात पर उन्होंने बताया कि कोविड की वजह से वह ब्लड स्टोरेज की कमी से इसमें देरी हो रही है और जल्द ही ऑपरेशन थिएटर चालू करवाने का प्रयास किया जाएगा। मेरा नाम डॉक्टर दीपशिखा बुराना है, मैं गीराबाग RCH ऑफिस से आई हूँ और क्वालिटी लेबर रूम के लिए आज मैंने CHC फुलेरा को चेक किया है। यहाँ पे डिलीवरी लोड बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से डिलीवरी का काम यहाँ का स्टाफ अच्छे से मैनेज कर रहा है। यहाँ के पेशेंट सारे सेटिस्फाइड हैं और इनके यहाँ दूर दूर से जयपुर सांभर सब जगह की डिलीवरियाँ यहीं पर आती है। यहाँ के स्टाफ का काम अच्छा होने की वजह से लोग इन पर विश्वास करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आते हैं। यहाँ पर लगभग 500 के लगभग का डिलीवरी लोड हो जाता है, 300 से 500 के बीच का। मैम, जो कुछ असुविधाएँ हैं हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आज यहाँ लगभग 500-600 डिलीवरी हर मंथ होती है और हमारे यहाँ पर OT बना हुआ है, कंप्लीट है, एनेस्थीसिया भी है, लेकिन राज्य सरकार उसको चालू क्यों नहीं करवा पा रही? वो ब्लड स्टोरेज यूनिट की वजह से है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड की सुविधा नहीं है और ब्लड को रखने की सुविधा नहीं है। तो यदि किसी पेशेंट को डिलीवरी के बाद अचानक ब्लड की जरूरत पड़ जाए तो उसकी वजह से, हालांकि यहाँ के स्टाफ की ट्रेनिंग करवा दी थी ब्लड स्टोरेज की, बट कोविड की वजह से वो काम डिले हो गया, जिस पर हम वापस CMHO साहब से बात करें।